हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये वाला डांस। सो गाइस, आपने वीडियो देख लिया होगा, चलिए इसको सीखते हैं विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। सो ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ओके। सो फर्स्ट अपन को देखो क्या करना है, अपन को क्या करना है, अपने राइट वाले लेग को आगे स्टेप करना है, ओके। एंड आगे स्टेप के साथ ही अपन को क्या करना है, जो अपनी कमर है इसको अपन को थोड़ा इस तरह से आगे तक मूव करना है, इस तरह से। तो बूम, इस तरह से स्टेप होगा, ओके। सो बूम किया अपन, देन इसे अपने राइट वाले लेग को अपन को उठा के एंड लेफ्ट साइड में स्टेप कर देना है, ओके। सो लेफ्ट साइड स्टेप करते ही अपनी बॉडी बैक साइड टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया स्टेप वन एंड स्टेप, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूं, अपने राइट वाले लेग को इस तरह से स्टेप कर रहा हूं आगे की तरफ, देन छोटा सा जंप ले रहा हूं इस तरह से, जंप एंड जंप के साथ अपना राइट वाला लेग आप, ओके। एंड फिर यहीं से अपने राइट वाले लेग को अपन को स्टेप करना है लेफ्ट के पास में एंड अपनी बॉडी को बैक साइड टर्न कर लेना है, ठीक है। तो ये स्टेप इस तरह से हो गया वन एंड टू, ओके। और जैसे ही अपन अपने राइट वाले लेग को स्टेप करते हैं बैक साइड अपन टर्न हो जाते हैं, ओके। एंड राइट वाले लेग को स्टेप करते हैं अपन को क्या करना है, अपनी कमर को अपन को मूव करना है राइट राइट। तो अभी अपन बैक साइड टर्न हो गए, तो ये वाली साइड मेरी राइट हो गई, ओके, और ये वाली साइड मेरी लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है। सो अपन ने क्या किया, अपने राइट वाले लेग को स्टेप जंप, देन राइट वाले लेग को नीचे रखते हैं अपन को क्या करना है, अपनी कमर को मूव करना है राइट राइट, ओके। देन फिर ऐसे ही अपनी कमर को आपके बार अपन को लेफ्ट लेफ्ट इस तरह से मूव करना है, ठीक है। सो फ्रंट साइड से देख लो ये चीज अपन को किस तरह से करनी है, जैसे ही अपन अपने राइट वाले को नीचे रखते हैं, ओके, नीचे रखते हैं अपनी कमर को अपन को मूव करना है राइट राइट एंड फिर लेफ्ट लेफ्ट, ओके। ये चीज समझ में, कमर समझ में, अपन को कमर को मूव करना है राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। अब इसके साथ अपन को स्टेप्स भी करने हैं, ओके। सो लेग को भी अपन को मूव करना है, सो जैसे ही अपन अपने राइट वाले को नीचे रखते राइट को स्टेप किया, देन लेफ्ट को छोटा सा स्टेप करना है, देन वापस से राइट को स्टेप करना है, ओके। सो इस तरह से अपन को आगे की तरफ मूव होना है, इस तरह से राइट लेफ्ट राइट, ओके। देन फिर जब अपन लेफ्ट एंड लेफ्ट इस तरह से अपनी कमर को मूव करेंगे, तो अपने लेफ्ट वाले लेग को आगे स्टेप करना है, देन फिर राइट को एंड फिर वापस लेफ्ट, ओके। सो अपने लेग्स भी इस तरह से मूव हो रहे, राइट एंड लेफ्ट, ओके। सो अपन को ये चीज बैक साइड होकर करनी है, तो अपन को आगे की तरफ मूव होना है इस तरह से राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट, ओके। एंड इसी के साथ अपनी जो कमर है वो भी मूव होगी इस तरह से राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट, समझते हैं। तो ये स्टेप लेग्स के साथ कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो 5 6 5 6 7 को वन एंड स्टेप एंड स्टेप स्टेप एंड स्टेप, ओके, समझ में आ गया। अब इसके साथ अपन को अपने हैंड्स देखो किस तरह से मूव करने, अपन को अपने हैंड्स मूव करने वन एंड बूम एंड हा बूम एंड हा। तो मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं अपने राइट वाले को आगे स्टेप कर रहा हूं, ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव कर रहा हूं, इस तरह से फ्रंट साइड अपने दोनों हैंड्स को बूम, ओके। एंड देन जब मैं जंप करके इस तरह से अपनी बॉडी को बैक साइड टर्न करूंगा, ओके, तो मेरे दोनों हैंड्स इस पोजीशन पे आ जाएंगे, देखो लेफ्ट वाला हैंड अपने हेड के पीछे आ जाएगा, राइट वाला हैंड अपनी कमर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा वन एंड राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट, ओके। सो जब अपन ये वाले स्टेप करेंगे राइट एंड राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो अपने हैंड्स यहीं पे होल्ड रहेंगे, ओके। सो अपन ने लास्ट कदम करा वन एंड राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट, ओके। देन फिर एक और बार अपन को इसी स्टेप को रिपीट करना है, वापस से अपने राइट वाले को अपन को आगे स्टेप करना है, ओके। वापस से अपनी बॉडी टर्न होगी फ्रंट साइड, ओके। सो वापस से अपन फ्रंट साइड आएंगे, फ्रंट साइड टर्न होने के साथ ही अपन को क्या करना है, अपने राइट वाले को इस तरह से वापस से स्टेप कर देना है आगे की तरफ, ओके। साथ में अपने हैंड्स वैसे मूव होंगे बूम, ओके। देन फिर वापस से अपन को बैक साइड मूव जाना है बूम एंड इसे वापस से राइट एंड लेफ्ट, इस तरह से अपन को टू टाइम इसी स्टेप को रिपीट करना है, ठीक है। सो एक बार अपन टू टाइम करते हैं, स्लो करते हैं, ओके, चलिए 5 6 5 6 से अपन को वन जंप राइट एंड लेफ्ट, वापस से स्टेप जंप राइट एंड लेफ्ट, ओके गाइस, इस तरह से स्टेप होगा, ओके। इसको अपन एक बार करते हैं कंटिन्यू, ओके, म्यूजिक के अकॉर्डिंग करते हैं, देखो ये किस तरह से हुआ स्टेप 5 6 5 6 7 स्टेप एंड
and right and right, left and left. Step and right, left and left. Okay guys, so अपन ने left खत्म कर दिया, left and left. Okay, then फिर इसके बाद अपन को क्या करना है, यहीं से अपन को अपनी बॉडी को फ्रंट साइड टाइम करना है. ओके अपन को अपनी बॉडी को फ्रंट साइड लाना है, एंड फ्रंट साइड लाते ही अपन को क्या करना है, अपन राइट वाले लेग की तरफ से इस तरह से फ्रंट साइड टर्न होंगे. ओके सो लास्ट अपन ने खत्म करा लेफ्ट एंड बैक, देन इसे अपनी बॉडी को अपन को फ्रंट साइड लाने, इस तरह से घुमाने फ्रंट साइड आ जाना है अपन को. ओके देन फ्रंट साइड आते ही अपन को क्या करना है, यहीं से अपन को करना है ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप. ओके सो जैसे अपन फ्रंट साइड आते हैं, फ्रंट साइड आते ही अपन को क्या करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा राइट साइड में टर्न करना है. ठीक है, एंड अपन को करना है इस तरह से ड्रॉप. ओके सो अपन को छोटा सा जंप करके थोड़ा आगे की तरफ मूव होना है इस तरह से डाउन, एंड इसी के साथ अपन को इस तरह से हो जाना है डाउन, देन फिर अप, देन वापस से डाउन अप, देन वापस से डाउन अप. तो थ्री काउंट्स तक अपन को ये चीज करनी, 1 2 3. ओके सो डाउन डाउन डाउन, इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करना है. ठीक है सो जब अपन डाउन होंगे तो थोड़ा सा इस तरह से आगे की तरफ मूव होंगे, और जब अप जाएंगे तो वापस से पीछे. ओके तो ये स्टेप इस तरह से हो गया 1 2 3. ओके अब इसके साथ अपन को अपने हैंड्स किस तरह से मूव करने, 1 में तो अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से अपनी राइट वाली हैंड को अपनी चेस्ट पे इस तरह से स्लाइड करना है, अपने लेफ्ट वाली हैंड को अपनी टमी पे. ओके सो ये हो जाएगा 1. ओके देन फिर 2 और 3 में अपन को क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करना है 2 3. ओके सो मेरा राइट वाला हैंड इस तरह से डाउन साइड है, लेफ्ट वाला हैंड अप साइड है. ओके एंड मैं 2 और 3 में अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करा 2 3. ओके सो ये हैंड्स अपने मूव होंगे इसमें 1 2 3 इस तरह से. ठीक है समझ में, तो लास्ट अपन ने खत्म करा लेफ्ट एंड लेफ्ट, देन इसे फ्रंट साइड टर्न हुए, देन फ्रंट साइड टर्न होते अपन को करना है डाउन, देन 2 3 इस तरह से स्टेप होगा. ओके फिर से देख लो, फ्रंट साइड आते डाउन देन 2 3. ओके सो अपन ने 3 काउंट्स खत्म करे, देन फिर यही चीज अपन को क्या करना है आपके बाद लेफ्ट साइड में करनी है इस तरह से लेफ्ट. ओके सो अपनी बॉडी लेफ्ट साइड टर्न होगी, एंड अपन को यही चीज करनी डाउन अप, बट अब की बार अपन को 1 टाइम ही करना है ये चीज. ओके सो इस तरह से डाउन अप, और इसके साथ अपन को अपने हैंड्स वैसे ही मूव करने, अपने राइट वाले हैंड को अपनी चेस्ट पे स्लाइड, लेफ्ट वाले हैंड को अपनी टमी पे स्लाइड, तो इस तरह से. ओके तो अपन ने लास्ट कदम करा डाउन देन 2 3 देन 4. ओके सो अपन ने खत्म करा 4. ओके देन फिर 5 6 7 8 में अपन को क्या करना है, अपने राइट वाले लेग को अपन को इस तरह से 5 6 7 8 इस तरह से मूव करना है. सो जैसे अपन ने 5 4 वाले काउंट में लेफ्ट साइड अपन टर्न होंगे अप आए, देन अप आते ही अपन को क्या करना है, यहीं से अपन को अपने राइट वाले लेग को अपन लेफ्ट साइड में टर्न है. ओके देन यहीं से अपने राइट वाले लेग को अपन को इस तरह से थोड़ा राइट साइड में स्टेप करना है, देन फिर थोड़ा आगे एंड थोड़ा आगे. ओके सो इस तरह से अपन को वापस से लेफ्ट साइड टर्न होना है इस तरह से राइट साइड से 1 2 3 4. अब इसके साथ अपन को अपनी कमर भी मूव करनी है इस तरह से 1 2 3 4. ओके सो ये स्टेप आप थोड़ा इस तरह से डाउन होके करोगे तो ये अच्छा लगेगा कमर के साथ 1 2 3 4 इस तरह से ये स्टेप हो जाएगा. साथ में अपन को अपने हैंड्स मूव करने 1 2 3 4. सो अपने लेफ्ट वाले हैंड को डाउन साइड रखना है, राइट वाले हैंड को इस तरह से मूव करना है 1 2 3 4. तो लास्ट अपन ने खत्म करा था ड्रॉप देन 2 3 देन ड्रॉप एंड 1 2 3 4. ओके गाइस एंड यहीं पे वो डांस खत्म हो जाता है. ओके सो एकदम इजी सा पार्ट है, एक बार अपन करते हैं इसको स्टार्ट से एंड तक एकदम स्लो आराम से स्टेप बाय स्टेप. ओके चलिए करते हैं 5 6 5 6 7 गो ड्रॉप देन 1 2 फिर से ड्रॉप देन 1 2 फ्रंट आते ड्रॉप एंड 2 3 देन 4 एंड 1 2 3 4. ओके गाइस इस तरह से स्टेप्स होंगे स्टार्ट से एंड तक, समझ में आया? ठीक है अब चलिए एक और बार अपन करते हैं, बट अब की बार अपन करते हैं इसको म्यूजिक के अकॉर्डिंग काउंट्स पे थोड़ा सा फास्ट होगा, ट्राई करते हैं. ओके चलिए 5 6 5 6 5 6 7 को 1 एंड 2 3
फिर से 1 and 2, 3, then drop and 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. Okay guys, इस तरह से स्टेप्स होंगे म्यूजिक पे. So guys, I hope आपको समझ में आया हो. तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को. अगर आपको मेरा वीडियो देखना है इसी पे, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @mystringer, जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में. ओके, सो जाके चेक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट.